कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाऊंगा, कामयाबी मिले ना मिले वो तो अल्लाह के हाथ में, मगर कम से कम मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये तिश्निगी लेकर नहीं जाऊंगा, अरे मैं काश वहां पर चला जाता, कुछ बोल देता, मैं हर चीज हर मुकाम पर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाऊंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही होकर अपनी जमात के पैगाम को अवाम तक पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता सिवाय मेरी मौत के, और मैं जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं ये काम करता रहूंगा, और इसमें मुझे मेरी जमात के मदरसियों के ताउन और उनके दुआओं की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ ठहरेंगे, बल्कि मेरी इनफरादियत के साथ नहीं जमात के साथ आप अगर ठहरेंगे और बहादुरी के साथ बेखौफ होकर मिसालात का मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया से मर जाएंगे, हम तमाम नहीं रहेंगे, मगर 70 साल के बाद लोग बोलेंगे कि हाँ दारुसलाम की इस मुबारक जगह पर एक दीवाना खड़े होकर अपने हमनवाओं से अपने साथियों से कह रहा था कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तान में दोबारा तारीफ लिखेंगे इंशाल्लाह, और लिखकर रहेंगे इंशाल्लाह।